दोस्तों आप भी इस्तेमाल करते हैं रियलमी का फ़ोन, और दोस्तों आप अपने रियलमी फ़ोन में जब OTG केबल को लगाते हैं तो दोस्तों वहां पर आपका OTG केबल सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि आपका वहां पर कुछ भी शो नहीं होता है। तो दोस्तों आपको लगता है कि हमारे रियलमी फ़ोन में OTG कनेक्शन का ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पर हम OTG केबल को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपके फ़ोन में OTG कनेक्शन का ऑप्शन है, आपको इसे ऑन करना होगा और उसके बाद दोस्तों आप OTG केबल लगा कर कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपना पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, दोस्तों और काम करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूं कि रियलमी फोन में OTG कनेक्शन के ऑप्शन को ऑन कैसे करते हैं। दोस्तों यहां पर आपके पास रियलमी का कोई भी फोन है, मैं यहां पर अभी आप लोगों को बताने वाला हूं रियलमी 3 में, दोस्तों आपके पास रियलमी का कोई भी फोन है, सब में इसी तरीका से होता है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना फोन लेता हूं और आपको अच्छा तरीके से बता देता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आपका संस्कार चैनल मंगेश की एक नए वीडियो में। तो चलिए देख ही लेते हैं। देखिए दोस्तों ये मेरा रियलमी का फ़ोन है, यहाँ पर रियलमी 3 है। दोस्तों आपके पास रियलमी का कोई भी है, सब में एक ही जैसा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन के सेटिंग्स में चले जाना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने फ़ोन के सेटिंग्स में। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे फ़ोन का सेटिंग्स है, तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों आप चले जाइएगा अपने फ़ोन के सेटिंग्स में, और दोस्तों यहाँ पर ऊपर आप क्लिक करके OTG कनेक्शन सर्च भी कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आइएगा तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिशनल सेटिंग्स, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना है, आपको मिल जाता है OTG कनेक्शन, आपको यहां से इसे ऑन कर देना है। यहां पर ये ऑफ होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा ये ऑन हो जाता है। और यहां पर आपको लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ वी नॉट इन यूज फॉर 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट्स। यहां पर यही आपको बताया गया है कि आप यहां पर OTG कनेक्शन को ऑन कर दिए और यहां पर OTG केबल को आप नहीं लगाते हैं, इसी तरीके से आप इसे छोड़ देते हैं, तो 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक इसे बंद कर दिया जाएगा और बंद भी हो जाता है। अगर दोस्तों आप OTG केबल को लगाकर इस्तेमाल करें तो 10 मिनट के बाद ये बंद नहीं होता है। तो दोस्तों यहीं से आप ऑन कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों OTG केबल लगाकर आप इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों यहीं आप लोगों को बताना था जो कि हम आप लोगों को बता दिए। चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे आए पहली बार तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा।